नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बेल के ऊपर, और मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि बेल के प्रोसीजर को समझे बगैर अगर आप बेल की कोशिश कर रहे हैं तो कई गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, और उसकी वजह से बेल मिलने में आपको बहुत डिले हो सकता है। तो आपके वकील साहब जो हैं वो बेल के प्रोसेस को तो समझते ही हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आपको बेल लेना है तो आपको सभी प्रोसीजर को ठीक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी समझ पाएँ कि किन कंडीशन में बेल मिल सकता है और किन कंडीशंस में नहीं मिल सकता है, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, सीआरपीसी का जो यानी जो प्रोसीजर है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, उसका सेक्शन 436 से 450, 436 से लेके 450 तक के जो सेक्शन होते हैं वो बेल को डील करते हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप अगर थोड़ा सोचते हैं कि आपको जानना है कि बेल क्या होता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि डिफ़िकल्ट होता है एक आम आदमी के लिए समझना, लेकिन आप सेक्शन 436 टू 450 तक आप सीआरपीसी में जाकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बेल क्या होता है और कैसे बेल मिलता है। लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको बेल कैसे मिल सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो आप उसकी लिबर्टी को छीन लेते हैं। लिबर्टी को छीनने का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी स्वतंत्रता, एक लिबर्टी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को वो लिबर्टी मिला हुआ है, और आप उस लिबर्टी को तब तक नहीं छीन सकते जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो दोषी है। अब केवल FIR लिख देने से, चाहे कितने ही संगीन मामलों में लिखा गया हो, कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। केवल FIR लिख देने से अगर दोषी हो जाते तो सोचिए देश में कितने FIR लिखे जाते हैं, और इस तरीके से तो सभी लोग जिनके खिलाफ FIR लिख दिया गया है वो सभी लोग जेल के अंदर होने चाहिए। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही है कि FIR लिखा गया, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है यानी कि सीरियस ऑफेंस है तो उस केस में जो है बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर बेलेबल ऑफेंस है यानी कि छोटा मोटा कोई अपराध है तो उसमें बेल आसानी से मिल जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भले ही नॉन बेलेबल ऑफेंस क्यों ना हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा संजीदा होकर के कोर्ट को देखती है, मामले को ज़्यादा संजीदा होकर कंसीडर करती है कि जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा हुआ है, गंभीर आरोप विथ द डॉक्यूमेंट्स, आरोप तो लग गया लेकिन कोर्ट में जब बेल का आर्गूमेंट होगा तो उनको बताना, जस्टिफाई भी करना होगा कि ये गंभीर आरोप है क्या। जैसे किसी को इंजर्ड कर दिया, अब आपने गोली मार के इंजर्ड किया हुआ तो ये गंभीर अपराध हो गया, लेकिन आपने किसी को थप्पड़ मारा और उससे उसको कुछ इंजरी हो गई तो वो एक सामान्य इंजरी मानी जा सकती है। तो किस प्रकार की इंजरी है उसको ध्यान में रखते हुए, किस प्रकार के IPC के सेक्शन लगे हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही बेल ग्रांट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि बेल ग्रांट करने के लिए जो है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट एंड पुलिस के पास पावर है कि वो बेल को ग्रांट कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो है अगर बेल आपका रिफ्यूज हो जाता है सेशन कोर्ट से, तब आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बेल को जब कभी भी ग्रांट किया जाता है तो उसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, जो FIR के कंटेंट्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस FIR के कंटेंट में ही पता चलता है प्राइमा फेसी की मोटिव क्या है, जो अपराध हुआ है उस अपराध का इंटेंशन, उसकी ग्रेविटी का पता चलता है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि उस वक्त जो उसके कंटेंट्स हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मान लीजिए कि FIR में लिखा गया है कि इस दिन, इस तारीख को, इस समय किसी ने हमला किया, अब वो उस दिन उस तारीख को पता चला कि फ़ौज में था और फ़ौज में ड्यूटी कर रहा था, तो ये तो अपने आप ही बेल मिल जाएगा। चाहे आपने 302 का ही क्यों नहीं लगा दिया हो, 302 में ही उसको क्यों नहीं आपने FIR में उसका नाम बुक कर लिया हो। तो वो देखा जाता है कि जो FIR में टाइम डेट बताया गया है उस टाइम डेट के मुताबिक जो है वो जो जिसके ऊपर आरोप है वो कहाँ थे, क्या थे। और दूसरी बात यह है कि आरोप अगर लगाया गया कि उसको 302 लगा दी, मान लीजिए 307 लगा दिया कि अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की, तो क्या, और इंजरी जो है वो पैर में लगा हुआ चोट है या पैर टूट गया है, तो पैर टूट गया तो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि सीने में कोई जख्मी कर दिया हो, चाकू से जख्मी कर दिया हो, तब तो मरने की संभावना है, लेकिन अगर पैर टूट गया हो तो मरने की कोई संभावना उसमें नहीं दिखती है। तो उस पर भी बहस हो सकता है कि 307 IPC का जो सेक्शन लगाया गया वो गलत लगाया गया। तो ये पूरा एक तरीके से जो है
कोर्ट के विवेकाधिकार के ऊपर डिपेंड करता है और वकीलों के आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने केस को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि कोर्ट को समझ में आए कि जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उसमें अक्यूज के लिए प्राइमा फेसी ये संदेह पैदा हो जाता है कि यह दोषी नहीं है और दोषी होने की संभावना कम है, जिसके आधार पर बेल मिल जाता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ है, उसको पर्सनल लिबर्टी है, तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को इलीगली आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। और एक और बहुत ही फेमस सेंटेंस है जो बोला जाता है कि बेल इज रूल, बेल रूल है जबकि जेल इज ए एक्सेप्शन। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में बोला हुआ है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, तो जेल में रखना औचित्य नहीं हो सकता पुलिस अथॉरिटीज की कि किसी अक्यूज को जो है जेल में ही बंद करके रखा जाए। अब मैं आपको बताता हूं ऑफेंसेस के बारे में। बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो थोड़ा लेस सीरियस नेचर के होते हैं, कम उसमें सीरियसनेस जो होती है वो कम होती है। दूसरा चीज है कि ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ये पूरी तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। अगर लगता है कोर्ट को कि जो है इस पे बेल मिल जाना चाहिए तो कोर्ट विद इन सेकेंड, विद इन मिनट भी हो सकता है कि ऑर्डर कर दे फाइल को देख करके और बेल ग्रांट हो जाए। तो दूसरा जो आता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस आता है। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कि मैं पहले बता रहा था कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ राइट, यहाँ केवल मैटर ऑफ राइट नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला हुआ है किस तरीके से, यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशंस आर टेकन केयर ऑफ। सर्टेन कंडीशंस क्या हो सकते हैं, सर्टेन कंडीशंस जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ऐसे कंडीशंस जिसमें देखा जा सके कि भाई भले ही नॉन बिलेबल ऑफेंस हैं लेकिन क्या जो कंटेंट्स है एफआईआर के वो कंटेंट्स ऐसे हैं जिससे ये साबित होता हो या प्राइमा फेसी लगता हो कि ये अपराध हुआ है। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि श्योरिटी लगाया जाता है, श्योरिटी का मतलब होता है कि कुछ जो कोई भी बेल बॉन्ड हो सकता है या कोई व्यक्ति एज ए श्योरिटीज अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं, अगर श्योरिटीज नहीं होता है या श्योरिटीज नहीं प्रोवाइड कराया जाता है तो उस केस में बेल जो ग्रांट हो चुका होगा वो भी कैंसिल हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट है ये भी जान लेना कि बेल होता कितने प्रकार के हैं, तो मैं आपको बता दूं बेल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो होता है रेगुलर बेल, सीआरपीसी 439 के तहत रेगुलर बेल मिलता है। अब रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है, इसमें एक चीज़ बहुत मैंडेटरी है कि वह ऐसा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है उसको जो मिलता है वो रेगुलर बेल मिलता है ना। तो अरेस्टेड बाय पुलिस उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर के रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन डाल दे। अब दूसरा एक और बेल मिलता है उसको बोलते हैं इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है बेल इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड प्रायर टू द हियरिंग ऑफ रेगुलर बेल। अब मान लीजिए कि अभी कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम रेगुलर बेल पे कोई हियरिंग कर नहीं सकते और अगर लगता है अक्यूज को कि वो इंटरिम बेल की मांग कर सकते हैं, कुछ टाइम फ्रेम के लिए थोड़े समय के लिए बेल की मांग कर सकते हैं, तो उसके लिए इंटरिम बेल का एप्लीकेशन लगाया जाता है और कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो इंटरिम बेल भी प्रोवाइड कर सकती है। और लास्ट जो होता है एंटीसिपेटरी बेल, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को यह संदेह होता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, संदेह कहाँ से अराइज होगा, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गया हो, तो सेक्शन 438(1) ऑफ द सीआरपीसी एक्सप्लेन करता है अबाउट एंटीसिपेटरी बेल। और इसमें बताया जाता है कि अगर कोई अप्रिहेंडेड है, उसको लगता है कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो है आपको बुक किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर आपको पूरा राइट है कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं और बेल की मांग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आ जाता है। सेक्शन 439 के पास स्पेशल पावर होता है कि वो आपको बेल प्रोवाइड कर दे। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जिसमें 7 साल तक की सजा होती है, यूजुअली इस तरह के मैटर में जो बेल मिलता है वो हाई कोर्ट के द्वारा मिलता है। और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि अगर कोई व्यक्ति बेल पे रिलीज भी है तो उसको भी कस्टडी में लेने के लिए हाई कोर्ट बोल सकती है, अगर हाई कोर्ट को लगे तो। देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस इन दैट केस, हाई कोर्ट के पास ये पूरा होता है कि वो बेल पे छोड़ दे या अगर लगे कि भाई बेल कैंसिल करना चाहिए तो भी हाई कोर्ट
के पास पूरा राइट है कि वो बेल को कैंसिल कर सकती है। तो उम्मीद है कि एक सामान्य भाषा में जो बेल को समझाया जा सकता है वो मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए। अगर आप इस तरह के किसी भी इश्यूज को फेस कर रहे हैं और आपको मदद चाहिए तो आप घबराइए मत, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।